हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिशन मैथमेटिक्स वर्कशीट आज हम करेंगे, जिसमें हम पॉलीनोमियल के शून्यांक यानी कि रूट्स और मध्य पंथ को विभाजन करना सीखेंगे, जो कि हम पहले भी बहुत अच्छी बार कर चुके हैं बेटा। 6x² + 13x + 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे लिख लेंगे, ए बी सी क्या क्या है इसके, है ना। कोफिशियंट जो है केयरफुली आपने लिखना है, x² के साथ जो होता है वो a, फिर b एंड द कॉन्स्टेंट इज c। अब हमें गुणा करके ए सी मिलना चाहिए, ए सी इज 6 × 5। यहीं पे इसके हमने फैक्टर कर लिए, 6 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 और 3, और 5 के क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 और 5। अब कुछ ऐसा करना है कि गुणा करने पे तो 30 बनेगा ही बनेगा सबको, लेकिन जमा या घटा करने पर 13 आ जाए। तो देखिए, अगर मैं 3 × 2 = 6 और 5 करूँ तो घटाऊँगी तो 1 आएगा, और जमा कर दूँगी तो 11 बनेगा, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 5 × 3 = 15 कर दें और 2 को अलग रख दें, 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 मिल जाएगा, लेकिन घटा का साइन नहीं चाहिए क्वेश्चन में, कहीं पे भी जमा ही होना चाहिए। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी ख़त्म हो गई। अब हम ऐसे करके देखते हैं, 5 × 2 = 10 + 3 = 13, यानी कि 10 भी जमा का और 3 भी जमा का, ये हमारा सॉल्यूशन दे देगा। तो अब फर्स्ट टर्म एज इट इज़, मिड टर्म को हटा के 13x की जगह हम क्या लिखेंगे, 10x + 3x। अब दो दो के पेयर बना लेते हैं, आपको पता है इन दोनों में से क्या निकला कॉमन, 2x, अंदर रह गया 3x + 5। यहाँ जब आप ब्रैकेट डालोगे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 निकाल दिया, दिस इज़ अगेन 3x + 5। क्वेश्चन हमारे सही होने की पहचान यही है कि दोनों ब्रैकेट सेम आ जाते हैं। नाउ द फैक्टर्स आर 3x + 5 2x + 1। नेक्स्ट करते हैं बेटा, सेम क्वेश्चन है लेकिन अब की बार -5 है, इसका मतलब गुणा करने पे 6 × 5 = 30 आएगा। तो हमें ऐसे फैक्टर देखने पड़ेंगे कि एक टर्म उससे घटा की हो, है ना। फैक्टर तो वही बने, 2, 3, 5, 1, पहले बिना साइन लगाए हमने फैक्टर लिख लिए। अब मेरा कौन सा फैक्टर मैं कंसिडर करूँगी, 5 × 3 = 15, 15 में से 2 घटा देंगे, है ना। 15 × 2 जब आप करोगे, 30 मिल जाएगा, और बड़ी रकम के साथ हमेशा बी का साइन आपने डालना है। तो 5 × 3 = 15, यानी कि 15 जमा का और 2 घटा का। अब फर्स्ट टर्म एज इट इज़, 15x + 2x + 5, दो दो के पेयर बनाए तो इन दोनों में से 3x कॉमन निकल गया, अंदर रह गया 2x + 5। यहाँ से सिर्फ घटा 1 कॉमन निकल सकता है, क्योंकि 2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। घटा 1 कॉमन निकला, अंदर रह गया 2x + 5। अगेन द ब्रैकेट्स आर सेम, फैक्टर्स बन गए 3x - 1 2x + 5। अब ये क्वेश्चन बेटा आप अपने आप कीजिए, और इसी के साथ 14 तारीख का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसे भी आप अपने आप करेंगे। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।